फ्रेंड्स, आपको अपना कोई भी चैनल डिलीट करना है तो उसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र में जाना होगा। जाने के लिए फ्रेंड्स क्रोम ब्राउज़र में मैं अपने चला जाता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करता हूँ, इसमें मैं लैंडस्केप मोड में इसका कर लेता हूँ फ़ोन को, जैसे कि मैं देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। और फ्रेंड्स क्या करना है, इसमें आपको गूगल यानी कि आप अपने यूट्यूब को ओपन कर लेंगे। यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ फ्रेंड्स मैं अपना, मुझे एक चैनल मेरा डिलीट करना है, तो आपको चैनल डिलीट करने के लिए ओपन करना होगा। तो ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे चैनल का लोगो दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे अपने आपके अपने योर चैनल पर क्लिक करना है। योर चैनल पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस नहीं आएगा, तो फ्रेंड्स फिर से अपने लोगो पर क्लिक करके योर चैनल पर चले आइए फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, एक ये रहा कस्टमाइज चैनल और दूसरा ये यूट्यूब स्टूडियो। तो आपको कस्टमाइज चैनल पर क्लिक कर देना है। कस्टमाइज चैनल पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, आपको फिर से अपने लोगो पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने जितना चैनल बनाया हुआ है आपका सभी चैनल शो करने लगेगा। तो फ्रेंड्स मैंने क्लिक किया तो मेरे 3 चैनल है, तो फ्रेंड्स तीनों चैनल यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो इसमें मैं क्या करूँगा, जिस चैनल को मुझे डिलीट करना है, सिंपली मैं पहले यहाँ पे सेटिंग का आइकन है एक, आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं आपको दिखा रहा हूँ एरे से, इस पर सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, और नहीं आ रहा है तो फ्रेंड्स आपको अपने ईमेल आईडी से पासवर्ड जो अपने ईमेल आईडी में डाला है उसी से आपको क्रोम ब्राउज़र में। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आपको सिंपली इस व्यू एंड एडवांस सेटिंग पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए नीचे चले जाना है फ्रेंड्स, नीचे चले जाना है और यहाँ पे देख सकते हैं डिलीट चैनल का ऑप्शन आ गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है डिलीट चैनल, तो इसके इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको सामने आ जाएगा, जिस ईमेल आईडी से आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया था उसी ईमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पे आपको यहाँ पे फिल करना है। तो फ्रेंड्स मैं अपने पासवर्ड यहाँ पे फिल कर दे रहा हूँ, आप भी अपने पासवर्ड यहाँ पे फिल कर दीजिएगा जिस ईमेल आईडी से आपने अपने यूट्यूब चैनल को बनाया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे गो का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर दूँगा। अब क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स फिर से ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने, आप देख सकते हैं जिस ईमेल यानी कि जिस चैनल को आपने आपको डिलीट करना है यहाँ पे उसका नाम होगा और यहाँ पे उसका लोगो होगा। तो फ्रेंड्स आपको यही चैनल आपको डिलीट करना है, पहले इसको आपको जान लेना है, नहीं तो आप दूसरा चैनल अपना डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, आपको दूसरे यानी कि दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ डिलीट माई अकाउंट, यहाँ पे इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे चले जाना है, और यहाँ पे एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एक बॉक्स है, इस पर आपको टिक कर देना है फ्रेंड्स। इस पर मैंने टिक किया तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं फिर से डिलीट माई अकाउंट का ऑप्शन आ चुका है, इस पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे एक कैंसिल का ऑप्शन आ चुका है, और एक देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट माई अकाउंट का फिर से ऑप्शन आ चुका है, आपको सिंपली इस डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ऐसा इंटरफेस आपके सामने फिर से आ जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे देखना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं प्लीज़ कन्फर्म बाई टाइपिंग इन योर चैनल। फ्रेंड्स आपको अपने चैनल का नाम यहाँ पे फिल करना होगा, जैसे कि मैं अपने नाम अपने चैनल का नेम फिल कर दे रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पे डिलीट माई अकाउंट पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये चैनल डिलीट हो चुका है, और मेरा दूसरा चैनल यहाँ पे आ चुका है, उसका लोगो आ चुका है, देख सकते हैं आप।